अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदेद के क्रिएशन पर। आज मैं आपको बता दूँगी कि अगर हमारा धागा जब ख़त्म हो जाए, जैसे यार्न काम कर रहे हो ख़त्म हो गया, तो हम उसमें जोड़ किस तरह से लगाते हैं। जैसे मैं काम कर रही हूँ, मेरा ये ख़त्म हो गया, अब इसी कलर का मुझे इसमें यह नया लगाना है, तो मैं इसको कैसे लगाऊँगी। लोग इसको में गिठान लगाते हैं, मगर मैं एक ट्रिक है वो बताऊँगी, तो जिससे जोड़ नज़र नहीं आता। पहले मैं आपको दो कलर का अलग से बताऊँगी, ताकि पहले आप देखें कि मैं क्या कर रही हूँ, फिर मैं आपको इसमें करके बताऊँगी सेम कलर के साथ। तो ये मैंने एक लाइट कलर लिया है और ये मैंने एक डार्क कलर लिया है, ठीक है ना। तो डार्क कलर का मैं जोड़ लगाऊँगी। ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसको रैप अराउंड किया, ये डबल क्रोशे कर रही हूँ इसमें के, इसको ले आए, ठीक है ना। अब जब हम इसमें ये जो घुमाते हैं ऊपर लाने के लिए, तो इसी में मैं नया वाला शामिल कर दूँगी। ये नया वाला मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को हमको ऊपर एक साथ लाना है, ये दोनों ऊपर एक साथ आएंगे। एक निकाला, ये दूसरे में से भी इसको निकालेंगे। ठीक है, ये इसका दूसरा सिरा है, इसको यार्न ओवर किया और ये दोनों निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ ओवर किया, इसको हम सामने की तरफ रखेंगे। पहले इंसर्ट दो हुक करेंगे, इसको सामने रखेंगे, फिर इसके ऊपर ये हम इस तरह से काम कर लेंगे। तो हमको अलग से वीविंग नहीं करनी पड़ेगी, ये इसी में ही नीचे चला जाएगा। ये देखें, जोड़ लग गया ना। मगर मैंने दूसरा कलर इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ में आए कि मैंने क्या किया। अब मैं आपको सेम कलर के साथ करके दिखाती हूँ। ये सेम कलर है, इसमें ख़त्म हो गया, ये देखें, ये इसका एंड है। मैं इसमें नया सिरा लगाऊंगी, ये भी डबल क्रोशे है। रैप अराउंड किया, इसमें गई। अब मुझे ये ऊपर जो लेकर आना है ना, इस वाले में मुझे नया वाला पीस लगाना है। ये वाला नया सिरा है, ये मैंने इसके साथ लगा दिया। अब इन दोनों को ऊपर लेकर आना है, ठीक है। फिर घुमाया, ये दो थे मगर होगा एक, ठीक है। फिर ये वापस दो हैं, हम इनको इस तरह से वापस मिल लेंगे। देखिए इसमें जोड़ लग गया, सेम कलर का है, पता नहीं चलता। रैप अराउंड किया, इसी में करा, फिर से ऊपर लेकर आई। जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसे ही करेंगे, डबल क्रोशे। देखें, इसमें कहीं पे आपको नॉट या कोई अलग से पीस लगता हुआ नज़र नहीं आएगा।